जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी। चल ना बे। नमस्कार, मैं आमिर, हम मौजूद हैं कटिहार के नए जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव जी हैं, जब कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष हैं। इनको कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष पर जिम्मेदारी मिली है, तो पहला प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी को और हमारे नेता तारिक अनवर साहब को, जिन्होंने ये जिम्मेवारी हमें दी है। आपका प्रश्न है कि पहला प्राथमिकता हम लोगों का होगा कि कांग्रेस को कैसे धारदार बनावें, कैसे इसका संगठन को मजबूत करें और आने वाला 2024 ये झूठी सरकार जो बैठा हुआ है, जो हमेशा जनता के सामने झूठ बोलने का काम किया, जनता को ही नीचा दिखाने का काम किया, इसको कैसे हम लोग उखाड़ करके फेंकें और फिर वही बहाल करें जो इस देश में गंगा जमुना तर्जी के नाम से जाना जाता है। क्या लगता है कि कांग्रेस इतना मेहनत अब कर रही है, भाजपा का चित्र साफ होने वाला है आगामी चुनाव में? एकदम निश्चित बात, देखा होगा कि सेमीफाइनल के रूप में हम लोगों ने कर्नाटक में एक बहुत बड़ी जीत जीते हैं। आप देखे होंगे कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में था कि हम बजरंग दल को बैन करें, अब वो जो है बजरंग बली की जय हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, तो मतलब भगवान का नारा देकर के सोचा कि हम बेड़ा पार कर लेंगे, लेकिन हनुमान जी अपना गदा से ऐसा मारा कि सारा ऐसा संप्रदाय लोग जो है आज सोया हुआ। आपको नई जिम्मेदारी मिली है, इस बीच जो है कुछ दिन पहले आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर कहा कि वापस ले लेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अब आप लोग तो भाई छोटा मीडिया वाले हैं, तो आप लोग तो हमेशा हमारे साथ और हम लोगों के जैसे पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन बड़ी मीडिया जो है हमेशा नोटबंदी को भी ये जो है उपलब्धि बताने लगा था, लोगों को फायदा गिराने लगा था, कहा था कि 2000 का ये जो नोट हम जो छापे हैं ये जमीन के नीचे भी 300-400 मीटर रहेगा तो उसका चिप से पता चल जाएगा नोट कहाँ है, बैंक में रह सकता है। तो ऐसा प्रोपगंडा उड़ाया मीडिया के द्वारा, लोग अपने नेताओं के द्वारा, तो आज देखिए क्या अपने मुँह खाना पड़ा। आप 1000 का नोट बंद किए थे, कहे थे कि वो काला धन लोग जो जमा करता है इसको बंदी के लिए करेंगे, 2000 का नोट आप छाप दिए, काला धन जमा करने के लिए छापे, पैसे लोग को बढ़ावा देने के लिए दिए, भ्रष्टाचारी को के लिए आपने 2000 नोट छापा, आज अपना मुंह अपने खानी पड़ी, ये तो है भाजपा का नीति। क्या लगता है जितने नोट अभी मिल रहे हैं आ रहे हैं बैंक में वो सब काला धन है या फिर बैंक? देखिए, आप निश्चित जानिए 10 बड़ा नोट जिस दिन हुआ था, हमारी सरकार हमारे जो यहाँ मतलब नेता हैं तमाम लोग कहा था ये काला बाजारी होगा और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण होगा। तो आप देखे होंगे जितने भी पदाधिकारी हैं नेता हैं तमाम लोगों के घर में कोई 2000 का नोट मिलता था, रूम का रूम मिलता था, संदूक का संदूक, बक्सा का बक्सा मिलता था। तो आप जानिए इसको कि एकदम शुद्ध रूप से ये काला धन है। 500-1000 की नोटबंदी जो बंद हो चुकी है उसे फिर चालू होना चाहिए या नहीं? 500 का नोट में कोई दिक्कत नहीं है, 500, 200, 100 चले, ये चलन प्रकरण में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2000 का नोट छाप दे, 5000 का नोट, ये मोदी कब से बना है वो ठोस नहीं है। ये मोदी जी जो निर्णय लेते हैं उसको अपने पर विश्वास नहीं है, उसको तो आज तक एक अच्छा वित्त मंत्री नहीं मिला, खुशते रह गया और सरकार किसी तरह 9 साल खींच गई। चलिए, उनके अभी जो आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में भारी तादाद में कार्यकर्ता हैं, काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है, हम सीधा उनसे ही बात करते हैं कि नए अध्यक्ष बने हैं, क्या लगता है जिला किस तरह? सबसे पहले मैं सुनील यादव जी को कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाने के लिए सुनील यादव जी को बधाई देता हूँ, साथ ही साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता तारिक अनवर साहब और बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि आपने एक सशक्त व्यक्ति को कटिहार का भार दिया है। निश्चित रूप से सुनील यादव जी में वो क्षमता है कि संगठन को गांव-गांव तक ले जाने की ताकत रखता है, अपनी बात जनता के साथ अच्छा से संवाद कर सकता है और लोगों को जोड़ने की कैपेसिटी किसी में है वो सुनील यादव जी में है, और निश्चित रूप से सुनील यादव जी के बनने से कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी
मजबूत होगा, यही मेरी शुभकामना है सुनील यादव जी को। मैं दिलीप कुमार विश्वास, प्रदेश प्रतिनिधि। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? जी, पहले तो मैं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों में बधाई देता हूँ, और मैं बड़े भाई सुनील यादव के कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष बनाने के लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। असाद धारी कन्वर साहब को, राहुल गांधी जी को और मल्लिका खबरे अर्जुन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरचरण दास जी को जो ज्ञान प्रभारी है, उनको भी, जो ऐसे मजबूत आदमी को उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया। जब वो जिला अध्यक्ष नहीं थे तब भी वो जमीन से जुड़े हुए थे, और कांग्रेस पार्टी के लिए जो उन्होंने काम किया, जो मजबूती लाई, और ऐसे व्यक्ति को उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया, इसके लिए और युवाओं को भी बहुत मदद किए हैं। और मैं चाहूँगा जो इनके नेतृत्व में काम हो और युवा इनसे कंधे से कंधे मिला के काम करेगी, आने वाले लोकसभा 2024 में चुनाव कांग्रेस में बहुत बड़ा जो विस्तार है, बहुत मजबूती मिलेगी, वो सुनील भैया के नेतृत्व में मिलेगी। क्या नाम है? मनी पासवान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। सुनील जी के नेतृत्व में अब कितना मजबूत होगी कांग्रेस? जी, हम आपको ये आशा दिलाते हैं, खास करके जो कटिहार के भी नया जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे राष्ट्रीय नेता के द्वारा, तारिक साहब के द्वारा, उसके बाद अखिलेश सिंह के द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, उसका स्वागत योग है। और क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एनी टाइम हरदम, चाहे कांग्रेसी नेता कहीं भी फंसे हुए हो, रात में 12 बजे 1 बजे फोन करे या फौरन फोन उठाते हैं और हम उनसे बात करते हैं, और आशा दिलाते हैं हम सुनील यादव जी को, बड़े भाई को, कि आपके साथ युवा कांग्रेस कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, बूथ से लेकर के प्रखंड से लेकर के जिला कमेटी में जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे, और कटिहार को 2024 में कांग्रेस में करेंगे। क्या नाम हो? मैं मोहम्मद इश्तियाक आलम, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। यकीनन अब तो ये नई जिम्मेदारी इनको मिल गई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब कटिहार जिला कांग्रेस कितना मजबूत और धारदार होती है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।